नमस्ते जय डुगर जय डोगरा ते मैं किरण वर्मा। जियां तो जानते हो कि 10 साल के बाद साढ़े जम्मू कश्मीर च असैंबली इलैक्शन होए, बड़े कामयाब होए और लोकें बड़ी चढ़िया हिस्सा लिया। ये इस वेले मेरे कन्ने नैशनल कॉन्फ्रेंस के विक्रम पुरी और ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन। तुंदा स्वागत है सर साढ़े कोल। पहले नमस्कार जी, मैं विक्रम पुरी, चेयरमैन ट्रेड एंड इंडस्ट्री नैशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू। जी पुरी जी, तुसीं दसो कि 10 साल के बाद इलैक्शन होए न, उमर सरकार बनी है, तो के मैनीफेस्टो है थोड़ा? जी मैनीफेस्टो च उमर साहब ने अपने वादे रखे दे, क्या वो पूरे होंगे? देखो जी, मैं सब तो पहले दसा कि जड़ी साड़ी नैशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, जड़ी जड़ी भी असें मैनीफेस्टो अपने मशहूर च पाया, अस पूरा करन जा रहे हैं। हूँ जिस तरह कि असें ये आख्या है कि असी लोगों नू 1 लाख लोग जड़े ने उन्होंने इंप्लॉयमेंट देनी है। देखो वो हो गए फेज्ड मैनेज, कोई आखे कि इको दिन हो जाना, वो नहीं होना है। फेज मैनेज होएगा, डेली वेजर की बड़ी प्रॉब्लम है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उन्होंने असं परमानेंट करन जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी उम्मीद सी, बड़े उन्होंने स्ट्राइक की, बड़ी बारी उन्होंने जगह जगह अपना चौक उपर धरने दिते, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। हूँ असी अपनी सरकार बनाई है, असी जो जो अपने मैनीफेस्टो आख्या सी अगर असी करांगे ताई लोगों नू विश्वास होएगा और लोग साड़ी सरकार नू ताई अगली बारी वोट देंगे कि अगर असी काम करांगे, सानू ये चीज़ पता है। और उमर साहब पहले दिन ही अपनी सरकार बनते ही पहले दिन ही सेक्टर जाके काम ते लग गए, और असी सारी विंग, ट्रेड विंग, यूथ विंग सब काम ते हैं। एंड जल्दी तो जल्दी असी लोगों की जड़ी जड़ी लोगों की जड़ी साढ़े को एक्सपैक्टेशन वो असी पूरी करन जा रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर रियासत होंदी ही, अजकल यूटी है, किन्नी चैलेंज है उमर सरकार वास्ते इस वेले? सर देखो, यूटी ये साड़ा पहले ही असी जिस वेले असी सरकार अपनी बनाई है, एक तो 10 साल बाद सरकार बनी है, चैलेंज जरूर है, बट साड़ी सरकार जड़ी है, साड़ी स्टेटहुड जैसी रिस्टोर करना है, स्टेटहुड जल्द तो जल्द वापस आएगा। स्टेटहुड वास्ते असी काम जड़ा है वो असी सेंटर नाल, उमर साहब जड़ा है वो मरकज नाल ऑलरेडी गल हो रही है, असी सेंटर नाल चलांगे और जल्दी वो लोग भी देखेंगे और जल्दी तो जल्दी सानू स्टेटहुड मिलेगा और काम जड़े स्टेटहुड दे बाद सानू और पावर्स और असी लोगों ने काम बैटर तरीके नाल कर पाएंगे। तुसी दसोगे जियां कैबिनेट विच कल पारित होया कि स्टेटहुड दा प्रस्ताव जिहड़ा पास हुई है, हूँ तुम्हें क्या लगता है कि किन्नी जल्दी स्टेटहुड वापस मिल सकती है? सर मैं तो कहना कल ही आ जाए, जिनी जल्दी आएगा लोगों के उन्नी जल्दी काम और अच्छी तरीके नाल होंगे। वी आर लगे दे ऐसे काम ऊपर और सरकार लगी दी है, जल्दी मैनू लगता जल्दी आएगी, क्योंकि सेंटर भी चाहता है कि इधर जड़े काम होन, लोग खुशहाल होन, और इन्हें सालों बाद सरकार अगर बनी है साड़ी जी है, LG रूल यूटी के बाद असी इलेक्शन अगर असी मैंडेट लेके आए हैं, तो असी साड़ा राइट बनता है कि सानू काम करने की इजाजत दे, ताकि लोगों के काम करने, असी अपने तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के काम, लोगों के काम जल्द होंगे, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग खुशहाल होंगे। तुसी ट्रेड और इंडस्ट्री के जुड़े दे हो, तो किस तरह की मुश्किलात लोगों की और उमर सरकार की तुसी आखोगे कि परेशानी? पहले तो मैं आखना चाहना कि बेसिकली सानू NCSS जिहड़ा पैकेज है वो साड़ी 3 सितंबर की लास्ट डेट सी, कोई 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इधर पेंडिंग पे ने, जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, लोगों ने मेरे नाल मीटिंग की है, उन्होंने एज चेयरमैन ट्रेड इंडस्ट्री मैं आके मिले कि जी साड़ी जी इंडस्ट्री लगानी है पर पैकेज नहीं एक्सटेंड हो रहा। तो मेरी सरकार यही अपील है कि जड़ी है असी करन जा रहे हैं कि असी ये वाले जड़ा है, मैं अपना हूँ देखो सुरेंद्र चौधरी जी आ गए, वो बड़े डायनमिक पर्सनैलिटी है उन्होंने, वो इनू जड़ा है इमीजिएटली इनू जड़ा है पा देंगे और मैं लगता है पैकेज रिवाइव करा के ले आएंगे साढ़े जम्मू कश्मीर वास्ते। जी हाँ, बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है इतने, पानी की है, स्मार्ट मीटर की है, उसी लिए क्या किया तुसी? सर देखो, बिजली का ये है कि बिजली के असी पहले ही एक किया, हर एक घर भी 200 यूनिट बिजली के फ्री सबनों असी देन जा रहे हैं। पानी के जेडे मीटर जिन्हों के असी कोई मीटर नहीं पानी का लगाना है, पानी असी पीन वाला पानी हर घर में साढ़े मंशूर च भी लिखे था सी, हर घर असी हर एक नू पानी मिलेगा, पानी का असी कोई पैसे नहीं लाएंगे, साड़ी सरकार भी पानी फ्री मिलेगा, 200 यूनिट बिजली दे फ्री मिलेंगे और उदे बाद जो भी लोगों की समस्या होए वो असी हल करेंगे। जी हाँ, उमर साहब कल आ रहे हैं साढ़े इतने जम्मू आ रहे हैं थोड़े शेर कश्मीर भवन च, किस तरह का तुसे प्रोग्राम है और किस तरह वेलकम करने जा करते हैं? असी बड़े धूम धमाके नाल उन्हों का वेलकम करन लगे हैं, उन्होंने हम इधर जम्मू के लोग बड़े एक्साइटेड हैं उन्होंने वेलकम करने लगे, और एज चीफ मिनिस्टर बन के पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, तो इधर शेर कश्मीर भवन असी उन्हों का वेलकम वास्ते
ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾਲ। ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਏ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਨ ਸੀ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਐਟ ਪਾਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਕੀਨਾ ਇੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਵੇਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਂਗੇ ਵਿਦ ਗੌਰਮੈਂਟ PPP ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਡਕੋ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਇੱਧਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮਪੁਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਚੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਗ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈਏ। ਜਾਡੂਗਰ ਜਾਡੂਗਰਾ।